selling an article for RS131.25, a trader gains as much as percent as the number representing cost price of the article. In order to earn 40% profit, at what price should he sell the article? देखो, इस क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. हमारे एक व्यूअर ने बोला कि इसको ऑप्शंस के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे. तो ऑप्शंस के थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ये अपने आप में हिंट दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा. जैसे अगर मान लो आपने कॉस्ट प्राइस 100 अज्यूम किया, तो 100 रुपीज किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है और उस पर आप 100% प्रॉफिट अगर आप अर्न करोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 200. तो 200 तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 131.25 है. तो कॉस्ट प्राइस 100 से कम होगा. मान लो अगर कॉस्ट प्राइस आप 80 लेते हो, तो 80 पे परसेंटेज प्रॉफिट 80 होना चाहिए. तो ये वैल्यू कितना होगा? 64. 80 × 80 / 100 तो 64. और इस दोनों को आप ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए? 80 और 64, दैट इंप्लाई 144. तो आपको रफली ये पता चल रहा है कि सीपी, ओरिजिनल सीपी 80 से भी कम होगा. तो ओरिजिनल सीपी कितना हो सकता है? अगर आप 75 लोगे, यहाँ पे ये नंबर फ्रैक्शन में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो 75 अगर आप सीपी लेते हो, इस पे 75% का प्रॉफिट निकालने के, तो वो कितना आएगा? वो सिंपली आ जाएगा 75 और +75 × 75 / 100. करेक्ट है. यहाँ से 25 से 3, 25 से 4, अगर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 18.75, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 75 और +3 × 18, 54 और +2.25. इनडायरेक्टली आपको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो मिल गया 131.25. अब आपको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो 75 पे 40% निकालोगे तो क्या होगा? 75 × 40 / 100. यहाँ से ये 0 से 0, 2 से 2 और 2 से 5, और 5 से 15, दैट इम्प्लाई 30 रुपीज़ और एक्स्ट्रा होना चाहिए. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75 और 30, तो 105, ऑप्शन नंबर सी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.